Now the next topic is the surface area of right circular cone. इससे पहले हमने देखा था right circular cylinder. Now let us see right circular cone की formation कैसे होती है. Now consider a triangle ABC. अगर मैं एक triangle ABC consider करूँ, like this, A, B and C in the figure, it is right angled at B. राइट एंगल्ड है ये बी पर, ए बी सी में जो बी है वो 90 डिग्री का एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, बी इज द राइट एंगल. अब अगर मैंने इसे रोटेट किया एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से अगर मैंने इसको रोटेट किया, जो ए बी साइड है उससे रोटेट किया, तो एक फिगर ये बनी एंड ये जो है ये रेप्लीकेट हो गया, ऐसा ही एक और साइड आ गई. अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया दैट मीन्स ये वाली साइड यहाँ पर रेप्लीकेट हो गई. अब ऐसे ही अगर इसे मैं बहुत ज्यादा रोटेट करूं तो एक सॉलिड फिगर इस तरीके की बनेगी, यानी इट लुक्स लाइक अ लाइक एन आइसक्रीम कोन. जैसे एक आइसक्रीम कोन होता है वैसी एक शेप हमें मिल जाएगी. फाइन, सो इफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, अगर मैंने इस साइड को एक लॉन्ग स्ट्रिंग से बांध कर उसको रोटेट किया साइड ए बी को, देन द ट्राइंगल इज रोटेटेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स. पहले एक बार ही किया, फिर उसको बहुत बार ही किया, फिर अ शेप दैट इज ऑब्टेन्ड, अ फिगर दैट इज ऑब्टेन्ड, इट looks like an ice cream cone. अब ये जो है ये एक ice cream cone, इसकी एक application है. इसको अगर हम mathematics में देखें तो it looks like this. This is a cone shape. Fine? जिसमें A जो है वो vertex है and C, B ये सब उसके points हैं. Fine? So we can say it is a right circular cone. जैसे एक right circular cylinder था, it was vertical. वैसे ही इसके अंदर भी अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके एक कोन की फॉर्मेशन करें, देन इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन. नाउ ए इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ए मैंने भी बताया था आपको, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन. ए बी इज द हाइट, बी सी इज द रेडियस एंड ए सी इज द स्लांट हाइट. लेट अस गो बैक. ए इज द वर्टेक्स, ए बी जो है वो है हाइट, AC is the slant height, जो टेढ़ी वाली साइड है, that is called the slant height, and BC जो है वो है radius. Fine? So ये इस cone के parts हैं. First is the vertex, height, radius, slant height. ये चार parts हैं. Now अगर अभी तक हम जो चीजें देखते आए हैं कि curved surface and बाहर की surface को अगर हमें cover करना है, so उसके लिए अगर हमें जो भी material required है उसका area निकालना होगा, तो हम curved surface area निकालते हैं. ऐसे ही अगर एक कोन की आउटर सरफेस, जो कर्व सरफेस है, उसकी एक जो साइड है वो ऊपर वाला जो होल है, जो सर्कुलर होल है, उसको छोड़कर अगर बाकी कर्व सरफेस को हमें कवर करना है, तो वो होगा उसका कर्व सरफेस एरिया. सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, दैट मीन्स पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट. ओके, अब अगर आपको ये देखना हो कि आर रेडियस है, एल स्लांट हाइट है, इन दोनों में से अगर आपको रेडियस गिवन है एंड आपको स्लांट हाइट गिवन नहीं है, सो स्लांट हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द कोन. अगर रेडियस और हाइट आपको गिवन है तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. फाइन, सो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये हो सकता है एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको अगर गिवन नहीं है वो निकालनी है, तो इस रिलेशन को यूज करके आप वो चीज निकाल सकते हैं. ओके, अब आपने ये देखा था एक सिलेंडर के अंदर एक अपर बेस होता है, एक लोअर बेस होता है. ऐसे ही जो कोन होती है वो एक तरफ से पॉइंटेड होती है, नीचे तरफ से जो दूसरी तरफ है उस पर सर्कुलर बेस होता है. तो सर्कुलर बेस जो है अगर उसको इंक्लूड करके हमें उसका सर्फेस एरिया निकालना है, तो वो होगा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब कोन का पूरा एरिया. सो ना इफ द बेस ऑफ द कोन इज क्लोज्ड, अगर वो क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उसका, पाई आर एल जो कर्व सरफेस एरिया है सारे सरफेस का, प्लस पाई आर स्क्वायर जो एक उसका सर्कुलर टॉप या बेस जो भी कह लो अगर वो है, तो एक सर्कल का एरिया उसने ऐड कर देंगे. अब इसमें से पाई आर को मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास बचा एल प्लस आर. सो द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर. फाइन, सो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं.